एसएम न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश में मैं अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से सभी दर्शकों का अपने चैनल एसएम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक नया मुद्दा व नई चीज़ें आपके समक्ष रखने के लिए आज खड़ा हूं मैं मंडी ज़िला में, और आप देख रहे हैं कि अब हम थोड़ा कंपनी से हटकर सरकारी यूनिट्स की जो काम है वो किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से निभा रहे हैं ये आपको आपके समक्ष रख रहे हैं धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है, पेयजल बहुमूल्य है इसका मोल पहचाने, मतलब इसका जो वैल्यू है ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी साइंटिस्ट ने जो भी रिसर्चर और वैज्ञानिक हैं उन्होंने कह दिया है कि एक तिहाई जल ही अब पीने योग्य बचा हुआ है। तो ये बहुत मूल्य है जो यहाँ के आईपीएच विभाग के ओर से ये बोर्ड लगाया गया है और इसमें लिखा हुआ है भाई पेयजल के नुकसान को अपना नुकसान समझें, पेयजल स्रोत को आसपास की सफाई रखें, वर्षा के पानी को इकट्ठा करें तथा इसका यथासंभव जहाँ तक हो सके उसका भी प्रयोग करें। तो इसके लिए टैंक वगैरह के लिए भी हमारी माननीय प्रशासन और सरकार पैसा देती है। परंपरागत स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखें, जैसे बाबड़ी हो गई या नालू से पानी आता है पहाड़ों से फिर पाइप वगैरह लगा के करते हैं, वैसे ही पीने के पानी का प्रयोग सिंचाई या निर्माण कार्य करने हेतु ना करें। वैसे तो हम बिल्डिंग बनाने के लिए चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं चाहे हम भी हमारे मैसनर हैं हम भी प्रयोग करते हैं, पर उसके लिए बोलते हैं कोई अलग से पानी जैसे कि वर्षा का पानी है उसको बचा कर रखें उसको करें। तो लोगों को स्वच्छ जल के लिए जागरूक भी करें, और सबसे बड़ी बात यदि पानी की नाली या जो टूटा हो तो स्थानीय संबंधित कर्मचारियों को फिगर वो करें सूचित करें। तो इससे हम अपने सरकार की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं कि जल ही जीवन है, इसके लिए वो काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही है और कार्य भी कर रही है। अपना नाम बताएं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? किस डिपार्टमेंट में? अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? अच्छा, कौन सी स्ट्रीम में? अच्छा, सिविल में आपकी बीटेक है और आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, तो आप क्या सर्वे करते हैं इसके दौरान? जो है काम तो यहाँ पे हम जो इसका रेडिंग का है जो मनाली फील्ड से लेकर जो व्यू पॉइंट तक है ये प्रोटेक्शन वर्क का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेलिंग सबसे पहले जो ये रेलिंग है ना, तो इस रेलिंग का काम कर रहे हैं वहाँ पर खत्म। उसके बाद इसके ऊपर जो है जो इसका ब्रिक के साथ इसको मोर्टार लग रहा है उसका हम ऊपर तक रहेगा? नहीं नहीं, इतना रहेगा एक एक। तो इसका जो हम देख रहे हैं कि 10 मिनट लगेगा इसमें, तो वो देख रहे हैं बाकी रिस्क वगैरह सब। हाँ जी, और बाकी पेंट का काम भी चला हुआ है जिससे, और पेवर ब्लॉक भी पड़ेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये आपको सर आपको अंदाजा है भी किसने ग्रेल्स वगैरह और पूरा खर्चा कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सारा है। नहीं नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अच्छा, ये हमारा बीबीएमपी प्रशासन कर रहा है इसकी डेवलपमेंट यहाँ पे, तो ये एरिया किसका है इसका अंदाजा है? अच्छा, ये भी बीबीएमपी का ही है। बहुत सुंदर नज़ारा है, थोड़ा कैमरा मैन घुमा के भी बताएं जरा यहाँ का नज़ारा, जल्दी जल्दी घुमा। अच्छा सर, आपका नाम? अच्छा सर, आप क्या करते हैं यहाँ पे? का अच्छा, थोड़ा बताएं आप किस तरह से क्या? ये बताओ सिंपल भाई, आप कितनी लगन से काम मेहनत से करते हैं और आपका सोच क्या होती है काम करते हुए? क्यों करते हैं?
सर मैं देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बुरा मत मानिए, आप मेरे से बड़े हैं, मतलब मेहनत से यूं भी करते हैं अभी, क्योंकि जिस बेचारे ने ठेका भी लिया हुआ है और ये अल्टीमेटली हमारे प्रशासन और सरकार के हाथों से काम हो रहा है, ठीक है ना। कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है जैसे और जगह आती है या किसी कंपनी के उसमें काम आती है तो नाम बदनाम होता है ना। अगर आप लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे प्रशासन और सरकार का नाम बदनाम नहीं होता, ठीक है। इसमें हिचक नहीं बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। आप देखिए कम से कम 10 साल बड़े होंगे मेरे से। सर आप क्या काम करते हैं? अच्छा बेलदार करते हैं आप। अच्छा किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं बेलदारी करते हैं? काफ़ी मेहनत का काम है बेलदारी। और देखिए मजदूर ही एक मजदूर चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे हाईटेक सेक्टर में हो, अगर वो काम ठीक नहीं करता है तो क्या होगा? बदनामी के अलावा और प्रशासन की भी होगी ना, जो भी असेट उससे जुड़ा हुआ है उसकी होगी। अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि इन नौजवानों ने जो बीटेक करके बीबीएमबी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और उन्होंने सिविल में की है, तो पूरा पूरा चेकअप किया इन्होंने भाई कैसे काम करना है, और ये बताते भी हैं लेबर को। अब ये बताना चाहते हैं कुछ इसके बारे में जो आपके सामने दृश्य है, इतनी सुंदर झील सुंदर नगर के, वहाँ पे इसका कंट्रोल गेट है और यहाँ पे मशीनें लगी हुई है और ये डेवलपमेंट देखिए पूरी बीबीएमबी ने, बीबीएमबी प्रशासन और हमारी सरकार ने मिलकर की हुई है, एक एक चीज़ को किस तरह से सजा के रखा हुआ है। तो आप मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ इनके माध्यम से। सर बताएं आप थोड़ा इनके बारे में, मशीनों वगैरह के बारे में। और ये जो है बीबीएमबी का बैलेंस रिजर्वर है, जिसमें जो है पानी स्टोर होता है, और जो इसका कंट्रोल गेट है वहाँ पे जो ये पानी है वो आता है पंडो से बाया कैनाल आता है यहाँ पर। अच्छा। फिर इसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल गेट से होता है, फिर यहाँ से बैलेंस रिजर्वर में से सिल्ट उठाई जाती है, जो सिल्ट होती है ये जो ड्रेजर लगे हुए हैं इसके थ्रू, जो इन पाइपों के थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है, और जो ये जो परे लगा हुआ है इसके थ्रू जो वाटर का जब लेवल कुछ ज्यादा हाई हो जाता है। अच्छा, तो ये जहाज की तरह स्पीयर जैसा ना, उससे वो बाहर चला जाता है, और जो उस साइड है वहाँ से जो कैनाल है और जो टनल के थ्रू जो पानी है पीएसएल को दिया जाता है, और सलापड़ में इनका जो है पावर हाउस है। अच्छा अच्छा, जो सलापड़ में पानी निकलता है पीएसएल के थ्रू यहाँ से जाता है टनल के थ्रू। अच्छा, टनल के थ्रू अंडरग्राउंड है? जी अंडरग्राउंड है। तब तो शॉर्ट पड़ती होनी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये सीट उठाने के क्या क्या फायदे हैं? सीट उठाने से जो है जो इसमें जैसे सर हमारा जो सीट अगर भरी रही तो पानी तो सर बाहर आ जाएगा, तो इसको निकालना तो पड़ेगा सर, जरूरत पड़ जाती है निकालने की, मतलब इसको निकालने के लिए अरे लगे हुए हैं ड्रेजर हमारे वहाँ पे, मतलब सर जो जगह जगह मतलब इसकी ड्रेजर पाइप लगी है ड्रेजिंग के लिए, मतलब इसके पाइपों के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। अच्छा, एक फायदा हो गया, तो इससे मतलब ये खतरा है और कुछ इसका फायदा? इसका जैसे जैसे मतलब अगर सिल्ट इसमें भरती जाएगी जितनी हमारी डिमांड होगी वाटर की उसमें कमी आ जाएगी, तो उसके लिए हमारे को जो है सिल्ट हटानी पड़ती है। सिल्ट हटानी पड़ती है और ये पानी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जल्दी ही सरकारी अच्छी नौकरी मिले। तो आपने सभी दर्शक भाई बहनों ने आज हमारे न्यूज चैनल एसएम न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश के माध्यम से मंडी जिला के सुंदरनगर के साथ सटे हुए प्रोजेक्ट और वहां के जो डेवलपमेंट टास्क हैं जो हमारी ऑनरेबल हिमाचल सरकार और यहां के बीबीएमबी प्रशासन ने किए हुए हैं वो देखे, और आपने पाया कि मजदूर भी बोलते हैं कि हम अच्छे से और कड़ी मेहनत से इसलिए करते हैं कि प्रशासन और जो संबंधित ठेकेदार है और सरकार के कार्यों पे कोई भी लांछन ना लगे। और आपने यहाँ का सुंदर नज़ारा देखने के साथ साथ झील का नज़ारा देखने के साथ साथ ये भी देखा कि बीबीएमबी प्रबंधन और सरकार ने
जैसे सीट होती है इसको निकालने की व्यवस्था भी की है और पंडोह से पानी आता है कई किस्म। हिमाचल एक मतलब भौगोलिक इसकी परिस्थितियां जैसे थोड़ी हार्ड हैं, तो इन केस कोई आपदा आ जाती है तो पानी निकालने की व्यवस्था भी प्रबंधन ने की हुई है तो, और पूरी तरह से इसको डेवलप किया है।